हूँ आपके साथ इंशान, नेशनल रोड 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के थाना उत्तर के बंसल नर्सिंग होम में आज एक महिला की डिलीवरी हुई तथा उसके बाद उसको ब्लीडिंग होना प्रारंभ हो गई, जिसके बाद उसकी हालत काफी नाजुक होती चली गई, तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स तथा हॉस्पिटल के अन्य कर्मचारियों की लापरवाही के चलते हमारे पेशेंट की मृत्यु हुई है। जब हमने हॉस्पिटल स्टाफ को बार बार अवगत कराया कि हमारे पेशेंट की हालत खराब होती जा रही है, ब्लीडिंग बंद होने का नाम नहीं ले रही है, तब भी किसी भी हॉस्पिटल कर्मचारी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। हमारे मरीज की मौत के बाद हॉस्पिटल स्टाफ ने हमारे साथ अभद्रता की, हमारे साथ मारपीट की। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक महिला के शव को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। परिजनों का कहना है, हमने थाने में बंसल नर्सिंग होम तथा वहां के स्टाफ के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया है, हमें न्याय चाहिए। साथ ही हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि हॉस्पिटल और डॉक्टर पर कठोर कार्रवाई हो, जिससे कि ऐसी अपराध घटना किसी भी अन्य के साथ दोबारा न हो पाए। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेत सिंह है। हेत सिंह जी, क्या हुआ है? घरवाली की डिलीवरी के लिए लेके गए थे बंसल नर्सिंग होम में जी। शाम को 4:15 पे एडमिट की वो। मैडम ने बोला नॉर्मल डिलीवरी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ठीक है मैडम, कर दो। नॉर्मल डिलीवरी हो भी गई 7:30 के आसपास। उसके बाद जो ब्लीडिंग हुई, वो ब्लीडिंग बंद नहीं हुई, वो लगातार ब्लीडिंग चलती रही। उसमें मैडम ने और जो वहाँ का स्टाफ था, कोई देख रेख नहीं की। कई बार बोला भी, खाली बीपी और धड़कन देख करके और बार बार सही सही बताते रहे। उसके बाद ज़ोर से कहने के बाद, दबाव डालने के बाद उन्हें देखा गया लगभग 1-1.5 घंटे के अंतराल पर। तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो चुकी थी, इस वजह से उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर उन्होंने डॉक्टर मैडम को फ़ोन किया, वो आई, बहुत लेट आई, काफ़ी लेट आई। उसके बाद उन्होंने 2 घंटे लगभग ख़राब कर दिए। ब्लड बाकदस्तूर चलता रहा, वो बंद नहीं हुआ। पेशेंट की हालत ज़्यादा ख़राब होने के बाद हम लोगों ने बार बार उनसे पूछा, मैडम आपके कस्टडी में सही है, कर सकते हो तो ठीक है, नहीं हमसे मना करो। लेकिन उन्होंने हमें दिलासा देते रहे, बोलते रहे नहीं ठीक है, सही कर देंगे, ब्लड बंद हो चुका है, कभी चालू हो चुका है, कभी बंद हो चुका है। इसी चक्कर में काफ़ी क्या कहेंगे आप, इसमें स्टाफ की लापरवाही थी? इसमें स्टाफ की लापरवाही, डॉक्टर की लापरवाही, सभी की लापरवाही है। वहाँ पर जो भी मौजूद था, जो पेशेंट को देख रहा था, 7-8 बोतल ब्लड चढ़ाने के बाद भी स्थिति कवर नहीं हुई। अभी आप यहाँ पर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लेकर आए हुए हैं जी, ये क्या आपने मुकदमा पंजीकृत कराया? जी मैं प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ, पंजीकृत कराऊँगा मुकदमा। किसके खिलाफ? जो वहाँ के डॉक्टर हैं, जिन्होंने मेरी मैडम का उपचार किया। क्या नाम था डॉक्टर का? सोनल बंसल। सोनल बंसल के खिलाफ आप मुकदमा? बिल्कुल कराऊंगा, लगा रहे हैं उनके खिलाफ जी। उसमें क्या कमी देखी आपने उनकी? उनकी घोर लापरवाही है, उन्होंने मेरे पेशेंट को सही तरह ट्रीट नहीं किया, ना टाइम दिया। उनका स्टाफ पूरी खाना पूर्ति करता रहा, ना कोई लेडीज स्टाफ आया रात में देखने के लिए। और जब लास्ट मोमेंट पे जब पेशेंट सीरियस हो गया बहुत ज़्यादा, उसके बाद उन्होंने बताया कि यूटरस निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने बिना देरी किए हुए तुरंत बोल दिया, जो भी करना है आप करिए, पेशेंट की जान बचाइए। उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन करने के बाद और पेशेंट को वेंटिलेटर पर छोड़ दिया, और सुबह तक कोई देखने नहीं आया, बीच में कोई डॉक्टर देखने तक नहीं आया। सुबह 6:15 बजे के आसपास बोल दिया गया कि आप अपने पेशेंट को ले जाइए, वो डेड हो चुका है, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। उस समय वहाँ डॉक्टर वगैरह जो भी थे,
जो नर्सिंग स्टाफ था वो सब भाग गया था। गार्ड वगैरह से हमने बोला कि बुलाओ डॉक्टर को बुलाओ, तो उन्होंने धमकाया उल्टा। उसके बाद थोड़ा सा जोर दबाव दिया उन पर, तो उन्होंने लाठी से हमारे पिताजी के ऊपर लाठी भी उठाने की मारने की कोशिश की। मारपीट भी की गई है आपके साथ? मारपीट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ पूरा दबाव बनाया, उन्होंने प्रयास किया, प्रयास पूरा किया है उन्होंने लाठी। ये वाक्य रहा है पूरा। खुल गया आपके शहर फिरोजाबाद में होप इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक्स एनर्जी एनवायरनमेंट। होप इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम का फिरोजाबाद के नगला बरी चौराहे के समीप हुआ शुभारंभ। बढ़ती पेट्रोल की कीमतों को देखते हुए होप इलेक्ट्रिक लाया है आपके लिए न्यू मॉडल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक। होप कंपनी ने अभी दो मॉडल ही मार्केट में उतारे हैं, लियो और लाइव। इसके खूबी की बात की जाए तो ये एक बार चार्ज होने पर 80 से 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लियो और लाइफ दोनों में है ट्रेंडी डिजाइन। हमारा पता ख्वाजा स्टील फर्नीचर के बराबर वाली गली बरी का नगला फिरोजाबाद। हमारा मोबाइल नंबर है 8439786525 9412265608।